सोलन की पुलिस लाइन में जहां एक और महाबली खली और रेसलर की फाइट होगी, वहीं दूसरी ओर डांस का अनोखा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। ये अनोखा डांस का मुकाबला होगा अमेरिका से आई कैट और भारत की सुप्रसिद्ध डांसर राखी सावंत के बीच। ये मुकाबला इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि इसमें हॉलीवुड की कैटी ने राखी सावंत को डांस में मुकाबला करने का चैलेंज दिया है, जिस चैलेंज को राखी ने स्वीकार भी कर लिया है और कहा कि वह कैटी को रिंग में धूल चटाकर ही दम लेंगी। वहीं खली ने इस मौके पर कहा कि उनका आज रोड शो हुआ जिसमें उन्हें उम्मीद से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सोलन का रेसलिंग शो मंडी से भी बेहतर होगा। इस मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी राखी सावंत ने कहा कि अमेरिका से आई कैटी ने उन्हें डांस में चैलेंज दिया है तो वह उस चैलेंज को स्वीकार करती हैं और साथ ही उनके साथ आई अन्य दो रेसलर को भी चैलेंज करती हूं कि वह भी रिंग में आ जाएं, तब भी वह जीत नहीं पाएंगी। वहीं उन्होंने ग्रेट खली के इस आयोजन की प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी आर्थिक हानि को न देखते हुए हिमाचल की जनता को WWE देखने का अनमोल तोहफा दिया है जो काबिले तारीफ है, इसलिए प्रदेश की जनता को और सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए, मैं पहली बार हिमाचल में आई हूँ लेकिन लोगों का यहाँ पे इतना प्यार मिल रहा है, इतने अच्छे लोग हैं। और अभी परसों हम लोग 4 तारीख को मंडी में थे, 50-60 हजार से भी ज्यादा लोग थे। और आज मतलब कल जो 5 बजे शो होने वाला है द ग्रेट खली रिटर्न, जिसमें वर्ल्ड से बड़े बड़े रेसलर्स आए हैं, लड़के लड़कियां, और यहां पे रेसलिंग होगी और साथ साथ में बॉलीवुड के डांस का तड़का भी लगने वाला है। जो मैं बॉलीवुड से यहां पे आई हूं एंटरटेन करने के लिए लोगों को, और दोस्तों के द ग्रेट खली रिटर्न शो में जो इनकी रेसलर्स है कैटी और स्कैलेट, इन लोगों ने मुझे चैलेंज किया हुआ है कि हम हॉलीवुड से हैं, तुम बॉलीवुड से हो, चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। तो अभी देखते हैं, रिंग में पता चलेगा किसमें कितना है दम। वो तो आपको मैं बोलूंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। बहुत ही मजा आने वाला है, खली भाई का शो है और खली भाई का एक ही मुहिम है कि ये शो CWE की तरफ से ये शो इसलिए रखा गया है कि लोग रेसलिंग को देखें। हमेशा डांस शो एंटरटेनमेंट देखा लेकिन रेसलिंग पर्सनली किसी ने नहीं देखी, तो लोग नशे में पड़ जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये हैं। तो इनका ये कहना है कि बिल्कुल भी ड्रग्स छोड़ो और जो माँ बाप है उनके बच्चों को रेसलिंग में डालें, यू नो, एंड ताकि उनका वो रेसलर भी बने और उनका माइंड डाइवर्ट हो और वो नशे की लत में ना लगे। खेल का नशा हो, नशे का, और जो दूसरा गंदा नशा है वो बिल्कुल ना हो।